वीडियो साहबान आदरणीय श्री पर्ची, डीआरओ साहबान आदरणीय श्री देवीराम जी, तमाम विभागों के प्रमुख कर्मचारी व अधिकारी यहाँ उपस्थित, समस्त जनता जनार्दन, आप सभी को हार्दिक वंदन नमस्कार। थोड़ा सा मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मेरी अपनी पंचायत में ये फ्री जनमंच है, और जैसे कि बहुत सारे विभागों के विभागाध्यक्ष आपको अपनी अपनी परियोजनाओं के बारे में, सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। मैं डॉक्टर अभिषेक ठाकुर, मैं आयुष विभाग में हूँ, आयुर्वेद में हूँ, और पूरे जिला बिलासपुर का औषधीय पादप बोर्ड का मैं नोडल अधिकारी हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप औषधीय पौधों की खेती करके कैसे अपनी आर्थिकी को जनरेट कर सकते हैं, वही स्कीम जो है वो हमारे आयुर्वेद विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार और जो सेंटर की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा चलाई गई है। ये जो है वो प्रायोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन है, NHM। तो ये जो स्कीम है इसमें बहुत सारी अभी जो मौजूदा समय में 140 औषधीय पौधों की खेती जो है वो आप कर सकते हैं, और इसमें सरकार जो है वो अनुदान भी दे रही है। और अगर आप बड़े लार्ज स्केल पे, जैसे यहाँ पे हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारी भी बैठे हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके जैसे हमारे तलवाड़ा क्षेत्र में शिवा प्रोजेक्ट के तहत बहुत कितना था 14 हेक्टेयर एरिया में जो है वो मौसमी का बाग लगाया है, तो उसके बीच में बहुत सारी जगह खाली रहती है, तो उसके बीच में मेरा अनुरोध रहेगा आप भी अपने उच्च अधिकारियों तक ये जानकारी और मेरा निवेदन पहुंचाएं कि उसमें भी आप किसी और दिया फसल को अगर वहाँ पे इम्प्लांट कर सकते हैं तो ये 2-in-1 हो जाएगा आपका जो है वो हॉर्टिकल्चर भी, और हमारा जो ये मेडिसिनल प्लांट है वो बहुत एक साइमल्टेनियसली जो है वो ग्रो होगा। तो इसमें सरकार द्वारा जो तय की गई मापदंड है वो 15 किलोमीटर के एरिए में आपको एक समूह बनाना है, क्लस्टर बनाना है, जैसे कि शिवा प्रोजेक्ट का भी बनाया है, और 140 से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट उसमें आप ग्रो कर सकते हैं, और बाई बैक अरेंजमेंट, हालांकि जिसको हम बोलते हैं कि आप खरीदेगा कौन उससे, वो भी जो प्रावधान है सरकार और हमारा जो औषधीय पादप बोर्ड है वो आप हमारे माध्यम से जो है वो हम भिन्न भिन्न कंपनियों से अप्रोच करते हैं कि आप जो है वो हमारे किसानों द्वारा जो जहाँ पे जिस एरिया में, जिस क्लस्टर में जो है वो आपके द्वारा वो फसल बोई जाएगी उसको खरीदने का प्रावधान जो है वो सरकार द्वारा समय समय पर किया जा रहा है। तो अगर कोई हमारा किसान बंधु हमारे भिन्न भिन्न किसान पंचायत से यहाँ पे आए हैं, वो इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप हमारे से थोड़ा सा अप्रोच करेंगे तो हम आपके पंचायत में भी आके इसके बारे में एक जागरूकता का जो कैंप है वो लगाएंगे, और आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, मुझे जो है वो इस बारे में, इस स्कीम के बारे में विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। ये आर्थिकी बढ़ाने का बहुत ही अच्छा जो है वो जरिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे पास कुछ कंप्लेंट है यहाँ पे विभाग की ओर से, वो मैं अभी आपको वितरित कर दूंगा। तो इसमें जो है वो नंबर भी लिखे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय तलवाड़ा, जय जनमंच।